वालेकुम अस्सलाम। आज आप हमारे लिए कौन सी खास रेसिपी लेके आई हैं? आज मैं बनाऊंगी बनाना ओट्स केक। मतलब इसमें स्पेशल बात क्या है? केक तो सब लोग बनाते हैं। इसमें स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर ना शुगर डलती है और ना ऑयल। अच्छा, मतलब ये हमारी पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है और मैं भी। जी चलो शुरू करते हैं। आप बताइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम पहले डालेंगे बनाना। अच्छा, कितने बनानास चाहिए होंगे हमें? इसमें मैंने डाले हैं 3 बनानास। ठीक है, फिर क्या डालेंगे हम इसमें? 2 eggs। 2 eggs, अच्छा मतलब इसको हम बाउल में डाल देंगे। अच्छा, और इसमें क्या ऐड करेंगे? अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। कितना होगा? 1 spoon। ठीक है, 1 spoon वनीला एसेंस, 3 बनानास और 2 eggs आपने ऐड किए हैं। ठीक है जी। ठीक है, कुछ और चीज जो आपने भी डालनी है? जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 cup ऑफ मिल्क। ठीक है, अब हम इसे अपनी स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। ठीक है, और फिर? और फिर हम इसे अपनी मिक्सी में डाल देंगे अच्छी तरीके से। ब्लेंड करेंगे। जी ठीक है, हम इसे मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 spoon ऑफ ईस्ट। ये रही हमारी ईस्ट। ठीक है, मतलब 1 spoon इसमें काफी रहेगा। अच्छा, इसमें अब हनी कितना डालेंगी आप? इसमें अब मैं डालूंगी हनी 2 spoons। ठीक है, हनी कोई भी ले सकते हैं ना? जी, मतलब चूंकि हम इसमें शुगर यूज नहीं कर रहे तो हम इसमें हनी यूज कर रहे हैं। जी ठीक है, मतलब जितने रिक्वायर्ड है आपको, तो आप हम लोग आप आपका ख्याल है कि हमें 2 चम्मच काफ़ी है इसमें। जी ठीक है, अब आपका ये रह गया है एक आइटम, ये इसमें डालती हूँ ओट्स। ये हमने 2 cups डालना है। ये मैंने 1 cup यहाँ रखा था। अब इसके अंदर हम 2 दूसरा कप डालेंगे। ठीक है, मतलब ये 250 ml का कप है आपके पास। ठीक है, तो 2 cup आप घर में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप कोई भी अपना कप घर में यूज़ कर लें। तो हमने इसमें 2 cups ओट्स डालने हैं। जी, और फिर इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, ओट्स का मैं फर्स्ट टाइम कोई केक खाऊंगी। जी, अब मैंने इस पे बटर लगा के पहले से रखा हुआ था। अब अपना बैटर आप मतलब इसमें मिक्स करने वाले हैं। जी चलो डालिए। ये मैंने इसके अंदर अपना बैटर डाल दिया है। अच्छा, अब हम इसको हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रखेंगे। ठीक है, तो पहले 5 मिनट आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। तो चलिए लाइए, इसे रख दीजिए आप। ठीक है, 5 मिनट्स को हम इसको हाई फ्लेम देंगे। जी, और उसके बाद हम इसके नीचे कुछ भी बर्तन या तवा रख देंगे और फिर आहिस्ता आग पर हमने 5 मिनट के लिए पकाना है। जी देखिए, अब मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए बनाएंगे। ओके, तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा उम्मीद है कि तैयार हो जाएगा। जी, एक तो हो गया है तैयार और मैं अब इसे किनारों से चेक करूंगी। ये देखिए, हमारा केक हो गया अब तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, जबरदस्त बन गया। अब हो गया है हमारा केक तैयार। माशाल्लाह, जबरदस्त लग रहा है और इसे फुल फैमिली खाएगी। जी, अब सिर्फ इसकी आई थिंक प्रेजेंटेशन रहती है थोड़ी सी आपकी। क्या डालेंगी ऊपर? इस पे मैं डालूंगी हनी और वॉलनट्स। ठीक है, इन्हें हनी लगा दी, अब मैं लगाऊंगी नट्स।
आपने अखरोट लिए? जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये फुल फैमिली खाएगी जी, क्योंकि इसमें ऑयल भी नहीं है, इसमें शुगर भी नहीं है और इसमें हमने अपनी मर्जी के मुताबिक हनी लगा दिए जी। अगर हनी ना भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है जी। लो कैलोरी, लो फैट एंड हेल्दी एंड वेरी हेल्दी एंड क्लीन भी, बाजार का नहीं है ना। यस तो अनाया मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और मुझे तो बड़ा यूनिक और बड़ा डिफरेंट से केक लग रहा है, जिसमें ऐसा कोई केक मैंने नहीं सुना था जिसमें ऑयल ना हो, जिसमें शुगर ना हो, और आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। तो दोस्तों मेरा केक तो है तैयार और मैं खाने वाली हूँ इसके चाय के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।